उधर अफ्रीकी देश अल्जीरिया में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों मुसलमानों ने वहां की राजधानी अल्जीयर्स में जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरती, मगर इससे तो माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी शांत होने की बजाय भड़क गए और वो पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जबकि कुछ को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद अल्जीरिया में सड़कों पर उतरे सैकड़ों मुस्लिमों ने काफी देर तक फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इसराइल के हमलों की निंदा की। उधर खबर है कि इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसके बाद हिजबुल्ला के टॉप नेता ने भी अपने लड़ाकों को इसराइल के खिलाफ तैयारी तेज करने का आदेश दे दिया। यानी अब फिलिस्तीन और इसराइल की जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है। खबर के मुताबिक इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में भी हमले शुरू कर दिए, जबकि पहले ही गाजा में इसराइल की फौज कहर बरपा रही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है ताकि हमास का वजूद ही मिटा दिया जाए। लेबनान इसराइल के बॉर्डर पर आसमान में धुएं का ऐसा गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसको देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी ने आग लगा दी हो। बताया गया कि इसराइल की सेना ने अब न सिर्फ हमास बल्कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के खात्मे की भी कसम खाई है। और इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी नेतन्याहू को जमीन के रास्ते हमला न करने की सलाह दी। पुतिन ने आशंका जताई कि अगर नेतन्याहू की सेना ने जमीन के रास्ते गाजा में घुसने की कोशिश की तो वहां भयंकर तबाही मच जाएगी और इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा घनी आबादी वाला इलाका है। अनुमान है कि गाजा के उस छोटे से इलाके में लाखों लोग रहते हैं। ऐसे में अगर इसराइल की सेना वहां घुसी तो हमास के लड़ाकों के अलावा कई मासूम लोगों की जान भी जाएगी, और पुतिन का मानना है कि ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा होगी जो जंग की वजह से बेमौत मारे जाएंगे। यही वजह रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू को धमकी भरे लहजे में यह साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर गाजा पर हमला न करें। लेकिन इसराइल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। खबर है कि गाजा में घुसकर हमास को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी इसराइल की फौज की एक खास टुकड़ी को सौंप दी गई, जो अपने खूंखार रवैये के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसराइल की इस भीषण टुकड़ी का नाम सैयरत मतकल है, जिसके लड़ाके दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही जाने जाते हैं। इसराइल की मीडिया के मुताबिक उसकी सेना की इस टुकड़ी के सैनिक सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं करते बल्कि उन्हें खुफिया एजेंट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब इसराइल के इन सैनिकों को शारीरिक ट्रेनिंग के साथ ही मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत बनाया जाता है। इसके अलावा ये दुश्मन के इलाके से अपने लोगों को निकालने में भी माहिर माने जाते हैं, और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने गाजा के ऑपरेशन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी इस टुकड़ी को दी, जो पहले गाजा में घुसकर इसराइल की सेना के लिए रास्ता खोलने का काम करेगी और फिर वहां फंसे बंधकों को छुड़ाकर वापस इसराइल लाने के बाद ही रुकेगी। मुसीबत तब और बढ़ गई जब ईरान ने भी उसे खुली धमकी दे दी। इसराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी इसराइल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इस जंग में हिजबुल्ला हमास के साथ खड़ा है और दावा किया जा रहा है कि वो भी रह रहकर लेबनान से इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि हिजबुल्ला खुलकर जंग में नहीं उतरा है, लेकिन इसराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने ये चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकती तो हिजबुल्ला भी इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। जबकि इसराइल हमास का नामोनिशान मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है, और एक रोज पहले ही उसने वहां आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसराइल हमास का सर्वनाश करने के लिए गाजा पट्टी पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान उसे हिजबुल्ला का डर दिखाकर गाजा पट्टी पर बमबारी से रोकने की कोशिश कर रहा है।